आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। पच्चीस किलो तक के ब्रांडेड और पैक्ड चावल आटा दाल के पैकेट पर 5% GST लगाने का प्रावधान 18 जुलाई 2022 से लागू हो गया है, जिससे ब्रांडेड पैक्ड फूड आइटम्स महंगे हो चुके हैं। लेकिन इन प्रोडक्ट्स को बेचने वाली कंपनियों ने GST से बचने के लिए नया रास्ता खोज निकाला है। ब्रांडेड चावल आटा बेचने वाली कंपनियों ने GST से बचने के लिए 25 किलो से बड़े साइज के ब्रांडेड चावल आटा के पैक बनाने शुरू कर दिए हैं। ज्यादा वजन वाले ये पैकेट किराना स्टोर के लिए तैयार किया जा रहा है। किराना दुकान वाले खुले में इन ब्रांडेड सामानों को बेच सकेंगे, क्योंकि खुले में बेचने पर GST नहीं देना होगा। दरअसल बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने साफ किया है कि प्री पैक्ड फूड आइटम्स जिसका वजन 25 किलो से ज्यादा है और एक पैकेट में पैक किया गया है, उस पर GST नहीं देना होगा। 5% GST केवल 25 किलो से कम वजन वाले पैक्ड फूड आइटम्स पर ही लगेगा। ब्रांडेड अनाज दाल बेचने वाली कंपनियां 25 किलो से ज़्यादा बड़े पैकेट में फूड आइटम्स को पैक कर किराना स्टोर को बेच सकेंगी। किराना स्टोर से कस्टमर को ये ब्रांडेड सामान मिल सकेगा और उपभोक्ता को GST भी नहीं चुकाना होगा। दरअसल जून के आखिरी हफ्ते में हुई बैठक में GST काउंसिल ने आम आदमी के इस्तेमाल वाली कई चीज़ों पर टैक्स रेट बढ़ाने का फैसला किया, तो कई सामान मिल रहे GST छूट को खत्म करने का फैसला किया है, जिससे डिब्बा या पैकेट बंद और लेबल युक्त मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर अब 5% GST देना पड़ रहा है। अब तक इन वस्तुओं को GST से छूट मिली हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।